दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में एडवांस फिल्टर रेंज का यूज़ प्रैक्टिकल तरीके से किस प्रकार करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा आज का ये जो वीडियो है एडवांस फिल्टर रेंज पे, ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले हमने हमारा जो प्रीवियस वीडियो था पार्ट फर्स्ट का, वो हमने अपलोड किया। उसमें हमने सीखा था भी हम सिंपल तरीके से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में फिल्टर रेंज का यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा ये पार्ट फर्स्ट का ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो आपको इस वीडियो को देखने से पहले हमारा जो बेसिक तरीके से हम फिल्टर रेंज का किस प्रकार यूज़ करते हैं, ये आपको जरूर देखना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर और प्रैक्टिकल तरीके से हमारा ये जो सेकेंड पार्ट है एडवांस फिल्टर यूज़ का, वो आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर नए अकाउंटेंट हो, तो ये वीडियो आपको कंप्लीट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये जो एडवांस फिल्टर रेंज का जो यूज है, वो कहीं ना कहीं आपको इन फ्यूचर इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहन सुथार, और स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में एडवांस फिल्टर का यूज़ करने के लिए हमें इस कंपनी में जो भी हमने वाउचर की ट्रांजैक्शन कर रखी है, उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो वाउचर की टोटल ट्रांजेक्शन को ओपन करने के लिए हम जाएंगे डे बुक पर, और F2 के साथ हम इसको डेट यहाँ से हटा देंगे, तो पूरा हमारे पास है जो डाटा वो ओपन हो जाएगा। इसमें जो भी वाउचर हमने यूज़ किए हैं, परचेज, सेल, पेमेंट रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, सारे वाउचर ओपन हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम एक बार सबसे पहले एडवांस फिल्टर यूज़ का मतलब समझ सकते हैं। इसको हम यूँ कह सकते हैं, हम इस पर कंडीशन पे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने बेसिक वीडियो में हमने जो सीखा था प्रीवियस वीडियो में, उसमें हम केवल एक मतलब सिंगल टाइप में कोई चीज़, सिंगल टाइप की को अगर कोई सर्च करनी हो, वो हमने सीखा था। अब हमें एक ही कमांड पे हम 2, 3, 4, 5, 6 जितनी आप बातें सर्च करना चाहो, वो हम एक साथ सर्च कर सकते हैं। इसी को हम एडवांस फिल्टर रेंज कहते हैं। तो दोस्तों, इसको हमें प्रैक्टिकल तरीके से समझने के लिए कुछ हम एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसा कि हमारे पास परचेज वाउचर भी है, सेल वाउचर भी है। तो सबसे पहले हम परचेज वाउचर को ओपन कर लेते हैं। अब मान लीजिए हमने ये परचेज इस परचेज वाउचर को ओपन कर लिया। अब ये जो प्रोडक्ट हमने परचेज किया था, और ये प्रोडक्ट हमने परचेज करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन हमने यूज करी थी, उस ट्रांसपोर्टेशन का जो नंबर है, उसका गाड़ी का जो व्हीकल नंबर है, उसको हम एक बार इस नरेशन में लिख देते हैं। अब मान लीजिए उसके गाड़ी का जो नंबर था वो RJ13GA5678, यानी कि ये हमारी लोकल की ट्रांसपोर्टेशन है। ये हमने गुड्स परचेज करते वक्त भी हमने इसी ट्रांसपोर्टेशन नंबर को यूज़ किया, और सेल करते वक्त भी हमने इसी को ही यूज़ करेंगे। हम दो परचेज वाउचर के ऊपर ये सेम व्हीकल का नंबर देते हैं, और एक परचेज वाउचर और ढूंढ लेते हैं। जैसे कि ये परचेज वाउचर है, इसके ऊपर भी हम सेम नंबर लगा देंगे, RJ13GA5678। तो ये दो परचेज वाउचर पे हमने नरेशन में ये वाउचर जो गाड़ी का नंबर वो लिख दिया, और इसी तरीके से हम सेल वाउचर को ओपन करेंगे। अब सेल वाउचर का नंबर हम एक तो ले लेते हैं, ये हमारे पास दो नंबर इनवॉइस है, इसके ऊपर भी हम सेम नंबर ही लिखेंगे, ताकि हम इस पर एक ही कंडीशन के साथ वन टाइम ही दोनों को सर्च कर सकें। और इसके बाद में 8 नंबर पर भी हम एक दे देते हैं। तो मान लीजिए अब हम दो सेल वाउचर हमने यूज़ कर लिए, और दो ही हमने परचेज वाउचर को यूज़ कर लिया। अब हमें यहाँ पर एक कंडीशन लगानी है भी हमने कौन कौन से सेल वाउचर में या फिर परचेज वाउचर के अंदर 5678 नंबर लिखा हुआ है। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हम एक बार इसको लगा के देख लेते हैं। वाउचर Alt+F वाला हमें यूज़ करना है फिल्टर रेंज की कमांड के लिए। तो ये विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ भी है, वी फिल्टर टू व्यू ओनली दस लाइन्स दैट सेटिस्फाई दी बिलो कंडीशंस, यानी कि जो कंडीशन आप यहाँ पर दोगे वो फिल्टर होके आपके सामने आ जाएगी। तो सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर पे, और अब हमें सर्च करना है नरेशन। तो हम नरेशन को सिलेक्ट करेंगे, अगर हमें उससे नरेशन से मिलता जुलता नाम अगर हमें सर्च करना, तो हम जाएंगे कंटेनिंग में। अगर आपको पूरा नाम पता है, तो आप यहाँ पे इक्वल टू भी इसको यूज कर सकते हो, स्टार्टिंग विद भी कर सकते हो। तो कंटेनिंग का यूज हम जब करते हैं, अगर हमें पूरा नाम प्रॉपर सही तरीके से नहीं पता भी हमने क्या लिख दिया, लेकिन आपको इतना पता है 5678 आपने यूज किया है, तो उस कंडीशन में हम कंटेनिंग पे जा सकते हैं।
और इसको हम यूज करेंगे 5678 और एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे हमने 5678 प्रेस किया तो आप देख रहे हो हमारे पास वो दोनों परचेज वाउचर और दोनों सेल वाउचर यहाँ पे ला के रख दिए। इन इन दोनों चारों वाउचर के अंदर आपने नरेशन में 5678 यूज किया है, लेकिन अब हमें यहाँ पर ये कंडीशन चाहिए भी हमें केवल परचेज वाउचर ही चाहिए, हमें सेल नहीं चाहिए। यानी कि हमें परचेज वाउचर देखना है भी परचेज वाउचर के ऊपर कौन कौन से परचेज की मतलब परचेज करते वक्त हमने 5678 की ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी को यूज किया है, तो अब हमें यहाँ पर डबल फिल्टर की जरूरत पड़ेगी। नरेशन तो सेम है लेकिन वाउचर टाइप हमें एक ही चाहिए। तो वापस हम बैक आएंगे, एल्ट एफ 12 प्रेस करेंगे, तो उसके बाद आपको जाना पड़ेगा नरेशन में, कंटेनिंग हम यूज करेंगे 5678। अब उसके बाद में सेकंड कंडीशन आप पूछ रहे हो भी केवल परचेज वाउचर चाहिए, तो उस कंडीशन में जो सेकंड ऑप्शन आपके पास यहां पे दिखाई देगा कंडीशन का, तो यहां पर हम यूज करेंगे एंड का। एंड पर हम जाएंगे, वाउचर पर हम जाएंगे, और अब हमें यहां पर चाहिए वाउचर टाइप, तो हम जाएंगे वाउचर टाइप पे, नेम में देंगे और कंटेनिंग हम सिलेक्ट करेंगे। केवल परचेज वाउचर चाहिए आपको तो आप परचेज यहां पर लिख सकते हो। तो आप देख रहे हो सेल वाउचर हमारे पास हट गए, केवल परचेज वाउचर की कंडीशन हमारे पास यहाँ पर अप्लाई होगी है। अब मान लीजिए आपको परचेज वाउचर नहीं चाहिए केवल सेल वाउचर चाहिए, तो वापस हम उसी कंडीशन पे आएंगे और परचेज को यहाँ से हटा के और यहाँ पर लिखेंगे सेल। तो आप जैसे सेल वाउचर करोगे तो आपके सामने वो दोनों सेल वाउचर ओपन हो जाएंगे और परचेज वाउचर यहाँ से हाइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम दो कंडीशन इस पर यूज कर लिए हैं। और इसी तरीके से हम कुछ एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ सेल के वाउचर हैं, उस सेल वाउचर पे हम चलते हैं, आपको थोड़ा सा इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब जैसे कि हम वाउचर नंबर कोई भी एक ओपन कर लेते हैं, तो अभी आप देख रहे हो जैसे हमने एक नंबर इनवॉइस को ओपन किया है, और इस एक नंबर इनवॉइस के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट स्टॉक आइटम है, एग्जाम्पल के लिए हम ये ले लेते हैं, अब इसके अंदर फर्स्ट आइटम शैम्पू 350 ग्राम की है, तो और इसका जो रेट है पर आइटम का पर पीस का वो 52 रुपये और 34 पैसे का है। तो अब हमें यहाँ पर ये बात सर्च करनी है भी हमने सेम रेट के सेम प्रोडक्ट किस किस मतलब कस्टमर को सेल आउट किया हुआ है। तो अब हम कुछ का रेट यहाँ पर हम सेल करते हैं, जैसे कि हमारे पास सबसे पहले हम क्लिनिक प्लस को ओपन कर लेते हैं भी किस किस वाउचर के अंदर हमने ओपन सेल किया हुआ है। हम लगा लेते हैं फिल्टर के, वाउचर पर जाएंगे, स्टॉक आइटम पर हम जाएंगे, नेम हम सेलेक्ट करेंगे, कंटेनिंग पे हम जाएंगे और हम यहाँ भी यूज़ करेंगे 350 ग्राम। यानी कि अब आपको पूरा नाम नहीं पता है लेकिन आपको उससे मिलता जुलता नाम पता है, तो आपने 350 ग्राम को यहाँ डाल दिया, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये जो हमारे पास वाउचर है परचेज वाउचर और सेल वाउचर, इस वाउचर के अंदर हमने यूज किया हुआ है। तो हम एक बार पाँच नंबर इनवॉइस देखेंगे, तो पाँच नंबर इनवॉइस के अंदर आप देख रहे हो भी ये जो शैम्पू 350 ग्राम का प्रोडक्ट इसमें सेल हुआ है और इसका जो पर पीस का जो रेट है वो 53 रुपये और 13 पैसे का हुआ है। इसी तरीके से ये हमारे पास 350 ग्राम है, 6 नंबर इनवॉइस है और यहाँ पर भी 53 रुपये और 13 पैसे का यूज हुआ है। तो अगर हमें इस बात को सर्च करना पड़े भी सेल वाउचर 350 ग्राम का स्टॉक आइटम हो और उसके अंदर हमने पर स्टॉक पीस का जो रेट है 53 रुपये 13 पैसे कौन कौन से सेल इनवॉइस में यूज किए हैं, तो इसकी हम डबल कंडीशन हम लगाएंगे। तो इसके लिए वापस हम बैक आएंगे, एल्ट एफ 12 हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा स्टॉक आइटम का रेट, तो यहाँ पर हम जाएंगे स्टॉक और स्टॉक पर हम करेंगे स्टॉक रेट को, और उसके बाद में इक्वल टू, ये आपको अब ध्यान रखना है, इक्वल टू यानी कि बिल्कुल उसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए 53 रुपये 13 पैसे के। अब सेकेंड कंडीशन अब आपको यहाँ पर यूज करनी है आके, एंड का आपको यूज करना होगा क्योंकि हम सेकंड कंडीशन अब ये पूछेंगे भी उसके अंदर 300 जो क्लिनिक प्लस शैम्पू हमारे पास प्रोडक्ट था वही आइटम हमें दिखाई दे, उस वही सेल वाउचर ओपन हो, तो वाउचर पे जाएंगे और अब हम यहां पर करेंगे स्टॉक आइटम को सिलेक्ट और उसके बाद में नेम और नेम के बाद में कंटेनिंग और 350 ग्राम, एंटर प्रेस करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट को ओपन कर देंगे। हमें केवल दो कंडीशन हम इससे पूछ रहे हैं, कौन कौन से कंडीशन भी, एक तो उस स्टॉक आइटम का जो रेट है पर पीस का 53 रुपये 13 पैसा होना चाहिए और उस दूसरी बात उसके अंदर 350 ग्राम का कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, एंटर प्रेस करेंगे। तो
अब आप देख रहे हो ये तीन इनवॉइस हमारे सामने फिल्टर होके आ गए हैं, 5 नंबर इनवॉइस, 6 नंबर इनवॉइस और 9 नंबर इनवॉइस। अब इनको हम ओपन करके देखेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी 350 ग्राम एसी के अंदर लिखा हुआ है और 53 रुपये 13 पैसे यहाँ पर रेट लगा हुआ है। उस तरीके से सेकंड इनवॉइस को ओपन करें तो यहाँ पर भी 53 रुपये 13 पैसे का रेट है और इसके अंदर भी सेम ही आइटम है। और 9 नंबर इनवॉइस को देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो 53 रुपये 13 पैसे का रेट लगा हुआ है और इसके अंदर भी 350 ग्राम का प्रोडक्ट है। अब मान लीजिए अब आपके पास 350 ग्राम का किसी और इनवॉइस में भी तो सेल हुआ है लेकिन उसके अंदर जो रेट है वो 53 रुपये 13 पैसे का नहीं है, यानी कि वो किसी में ज़्यादा भी हो सकता है किसी में कम भी हो सकता है। लेकिन अभी हमने यहाँ पर जो कंडीशन लगा के पूछा था इससे डबल कंडीशन में वो ये था भी इसका जो रेट है वो इक्वल 53 रुपये और 13 पैसे ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर आप कंडीशन थोड़ी चेंज कर देते हैं भी आप ग्रेटर देन का यूज़ कर सकते हो लेस देन का भी यूज़ कर सकते हो तो उस कंडीशन में आपके पास जो भी वाउचर रहेंगे वो सारे आ सकते हैं। मान लीजिए अब आपको चाहिए भी 60 रुपये से कम कम आपने कहाँ यूज़ किया है तो उस कंडीशन लेस देन या आप डबल फ्रेम 55 रुपये कर देते हैं। तो यानी कि ये जो वाउचर है इस वाउचर के अंदर आपने इस प्रोसाथ हम इसको यूज कर सकते हैं इक्वल टू, इसके अंदर बेटर हम रहेगा इक्वल टू लगाएंगे तो 53 रुपये और 13 पैसे का। तो वापस करेंगे फिल्टर में तो वो 53 रुपये 13 पैसा के अंदर केवल 3 ही हमारे पास वाउचर ओपन हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने एक फिल्टर के साथ हमने डबल कमांड हमने सर्च करी है। अब मान लीजिए अब आपने ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज़ किया होगा, अब ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया, मान लीजिए अब उसके अंदर आपके जो प्रोडक्ट रेट है उसके अंदर 53 रुपये 13 पैसा पर पीस का रेट भी होना चाहिए, 350 ग्राम उसके प्रोडक्ट का स्टॉक आइटम भी कोई होना चाहिए और उसके अंदर आपने ट्रांसपोर्टेशन का जो यूज़ किया है उसका नंबर भी आपके पास होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर ट्रिपल कंडीशन भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए वापस एक बार आपको बे करना पड़ेगा क्योंकि अभी वो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। तो स्टार्टिंग में जो जो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे वाउचर टाइप में तो वो आपको सबसे पहले सर्च करना पड़ेगा। तो वापस हम बेक आते हैं, Alt+12 हम यूज़ करते हैं और उसके बाद में अब मान लीजिए हम एक के अंदर दे देते हैं 5 नंबर इनवॉइस के अंदर 5678 हम दे देंगे ताकि हमें पता चले RJ13GA5678। यानी कि अब इस इनवॉइस के अंदर क्या था, हमारी तीनों कंडीशन कंप्लीट हो रही है भी उस वाउचर के अंदर 5678 वाउचर नरेशन होना चाहिए, 350 ग्राम का प्रोडक्ट होना चाहिए और उसका जो रेट है वो 53 रुपये 13 पैसा भी होना चाहिए। तो तीन कंडीशन हमें एक साथ पूछनी है। तो इसके लिए वापस Alt+12, तो सबसे पहले आप यूज़ कर लेंगे नरेशन कंटेनिंग 5678, एंड पर हम जाएंगे, उसके बाद हम करेंगे स्टॉक रेट, रेट हमारा इक्वल टू होना चाहिए 53 रुपये 13 पैसे के साथ में। वापस एंड पे हम जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे स्टॉक आइटम पर और उसमें जो स्टॉक आइटम है वो आइटम हमारे पास में 350 ग्राम की होनी चाहिए। तो ये तीन कंडीशन हम इसको एक साथ में पूछ रहे हैं, पहला नरेशन से रिलेटिंग है रिलेटेड है और दूसरा स्टॉक रेट से है और तीसरा स्टॉक आइटम से है। तो हम आपको एंड यूज़ करके आप इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हम इसमें पूछ सकते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। तो अभी आप देख रहे हो केवल एक ही इनवॉइस है जो हमारे सामने फिल्टर होके आया है, यानी कि इस इनवॉइस में हमारी तीनों कंडीशन कंप्लीट हो रही है। सेम वो इनवॉइस जो अभी हमने इसमें एडिट किया था 5678 का, 350 ग्राम इसके अंदर स्टॉक आइटम भी है और इसके अंदर हमारा 53 रुपये और 13 पैसे पर पीस का रेट भी लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको मतलब कंडीशन पे कंडीशन लगा के काफ़ी हद तक कुछ क्वेश्चन हम कर सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर यहाँ पे कंडीशनल एंड फॉर्मेटिंग का हम यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन लेस देन का, बिटवीन का, इक्वल टू का। तो इसी टाइप से हम यहाँ पर इसके अंदर भी यहाँ पे आप देख रहे हो काफ़ी सारी कंडीशन पे कंडीशन आपसे पूछता जाएगा और आप कंडीशन पे कंडीशन इस पर अप्लाई करते जाओगे। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो से आपको कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।